राष्ट्रीय श्रवण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ राजस्थान करौली पहुंचे, जहां पर पुलिस प्रशासन के साथ उनकी नोकझोंक हुई और कुछ देर बाद उनको परिवार से मुलाकात करने की अनुमति मिली। वहीं गरीब ब्राह्मण परिवार से मिलने के बाद अध्यक्ष ने ढांढस बंधाया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे ढोंगियों को। आज अगर आप खड़े नहीं हुए तो आपको घुट घुट के मरना होगा। ब्राह्मण परिवार को कोई न्याय नहीं मिला है। में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज ढबरैया के नेतृत्व में राष्ट्रीय संगठन मंत्री आचार्य भरत तिवारी व राष्ट्रीय सवर्ण परिषद उत्तर प्रदेश सचिव आशु पंडित अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अलीगढ़ से कुछ करते हुए राजस्थान करौली पहुंचे, जहां प्रशासन से काफी नोकझोंक हुई, जिसके बाद देर रात्रि परिवार से मुलाकात की अनुमति मिली। गरीब ब्राह्मण परिवार को पंकज ढबरैया ने ढांढस बंधाया और कहा कि राष्ट्रीय सवर्ण परिषद की सदैव उनके साथ खड़ी है और सरकार से 50 लाख मुआवजा, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी व गरीब परिवार को आवास दिलाने की मांग की। वहीं प्रदेश सचिव आशु पंडित ने राजस्थान सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फर्जी जनेऊधारी ब्राह्मण बनकर देश को गुमराह करते हैं सिर्फ चुनाव के समय, मगर आज राजस्थान में उन्हीं की सरकार में एक ब्राह्मण को निर्मम हत्या कर दी जाती है तो राहुल गांधी की बोलती बंद हो जाती है। कई दिन बीत जाने के बाद भी चार आरोपी फरार घूम रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सरकार आरोपियों को बचाना चाहती है। अगर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया तो राष्ट्रीय सवर्ण परिषद की टीम संपूर्ण देश में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। आप राजस्थान आए, आपकी क्या मांग थी? हमारी पूरी सरकार से एक ही मांग है कि जो आपने यहाँ पे 10 लाख रुपया मुआवजा दिया है, हम उससे असहमत हैं। इस परिवार की पीड़ा बहुत ही गंभीर है, जिससे कि न तो इनकी बिटिया का विवाह हो पाएगा, न ही इनका मकान बन पाएगा। और आपने जो अस्थाई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो नौकरी दी है, हम उससे भी असहमत हैं। हमारा केवल आपसे एक ही निवेदन है और हम आपसे मांग करते हैं कि इस परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएं और एक पक्का मकान इन्हें शहर में दिया जाए और एक स्थायी सरकारी नौकरी इन्हें दी जाए, जिससे कि इनके परिवार का भरण पोषण हो सके। अगर यह मांगे अगर पूरी नहीं की जाती, यद्यपि गहलोत सरकार इन मांगों को पूरी नहीं करती, तो पूरा सवर्ण समाज अपने समाज हेतु, अपने ब्राह्मण समाज है, तो सड़क पे उतर के आंदोलन के लिए बाध्य होगा। नहीं, अभी आप गांव गए तो आपने एसपी साहब को क्या रिटर्न में दिया? देखिए, राष्ट्रीय सवर्ण परिषद ने सीओ साहब को केवल कुछ मांगे दी हैं, जिसमें 50 लाख रुपए हमने परिवार पीड़िता के लिए मांगा है और एक पक्के मकान के लिए और एक स्थायी सरकारी नौकरी की मांग की है। जो भी आरोपी है उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। ये बुकना गांव इतना गरीब परिवार है बेचारा ब्राह्मणों का। आज ये सोच लीजिए कि हमारे यहाँ गहलोत सरकार होते हुए भी ब्राह्मण परिवार को कोई न्याय नहीं मिला है और उसके बाद भी 10 लाख का मुआवजा, 5 लाख कह दे, 5 लाख बाद में देंगे और उसके बाद एक समुदाय पर नौकरी तो हमारे समुदाय ऐसी होती है कि कल हट जाएगा या 2-4 दिन बाद हट जाएगा। अब आप शादी की बेटी कैसे है, शादी कितनी हो, क्या बेटी आपकी अनमेरिड है? एक बच्ची कमा रही है और बाकी ये अभी शादी लग है, शादी 5 बेटी हो गई। बताइए, इतना गंभीर मामला होते हुए न हमारे राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न हमारे राजस्थान के रहे सीएम गहलोत सरकार, यानी अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पहुँचा नहीं है। एसडीएम डीएम वगैरह कोई भी आए? डीएम साहब, गहलोत साहब, कोई उनका मंत्री? कोई नहीं। इसकी आवाज जनता मंत्री बढ़ाई जाए, कल को चल के परसों पूरी इकट्ठा किया जाए और बिल्कुल वहाँ उठा के आवाज को तत्काल ही 4 दिन में हम लोग दोबारा हाजिर होते हैं। मेरे सभी साथी, जितने भी साथी जुड़ चुके हैं, कृपया इस बात को पूरे भारत में अधिक से अधिक शेयर करें और पहुंचा दें। फर्जी मीडिया, फर्जी शासन प्रशासन की सच्चाई यहाँ से उजागर होती है। कृपया एक बारी देख लीजिए और ये कैमरा
एक बार इधर दिखा दीजिए। भुगना माता का तो मम्मी मेरे साथियों, मेरे साथियों देखिए इस हालत को, मेरे साथियों आज मैं राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ भुगना गांव राजस्थान में पहुंच चुका हूं और बड़े ही हृदय में पीड़ा है। आप इस झोपड़ी को देख सकते हैं, आप इस झोपड़ी को देख सकते हैं, किसी भी फर्जी मीडिया को इस मां का दर्द नहीं दिखाई देता। मैं पूछना चाहता हूं उन राहुल गांधी जी से, फर्जी जने उधारी वाले से, क्या उन्हें इस मां का दर्द नहीं दिखा? क्या इन बच्चों के बाप का साया जो उठा वो नहीं दिखा? नंगे पैर, नंगे पैर दलगत राजनीति करने के लिए यूपी तो वह जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस माँ की पीड़ा देखने के लिए, इन बच्चों की पीड़ा देखने के लिए यहाँ गाड़ी से भी नहीं आ सकते। शर्म आनी चाहिए। आप हमें बताइएगा, हम सारे काम छोड़ के आपको न्याय दिलवाएंगे। और मैया, अगर कोई भी आपत्ति हो, कैसी भी विषम परिस्थिति हो, अपने बेटा को एक बार कॉल करना। हम प्रयास करेंगे कि आपको पूरा पूरा सहयोग मिले। कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे आप अवगत कराएं, ठीक है भैया? ठीक है माता जी, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत बात नहीं है ना। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।